तो मैं यहाँ पर सैयद मेहताब हैदर सफीपुरी साहब के मेहताब भाई के बेटे अली हैदर साहब और तकी हैदर साहब दोनों मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मेरे करीब आ जाएँ गुलपोशी के लिए। सबसे पहले मैं आफ्ताब चचा से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ ऊपर और जनाब चचा अमीर हैदर साहब की गुलपोशी फरमाएँ जो आज के प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, सदारत फरमा रहे हैं। चचा अमीर हैदर साहब की गुलपोशी जनाब आफ्ताब हैदर साहब फरमा रहे हैं। इसके बाद मैं जनाब सैयद मेहताब हैदर सफीपुरी साहब के बड़े बेटे सैयद अली हैदर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और आज के सदर सूफ़ी सैयद इधार अली साहब की गुलपोशी फरमाएं। सैयद अली हैदर मोहतरम सईद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सईद साहब, सईद साहब जहां कहीं हों स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। सईद साहब, आप जनाब फारूक जायसी साहब की गुलपोशी फरमाएंगे। सईद साहब मेहताब हैदर साहब के बरादर निस्बती हैं और बेपनाह मेहताब हैदर साहब से मोहब्बत फरमाते थे। शुएब निज़ाम साहब की गुलपोशी के लिए मैं मेहताब हैदर साहब के छोटे बेटे तकी हैदर से गुजारिश करता हूं कि वो शुएब निज़ाम साहब की गुलपोशी फरमाएं। अमर सिद्दीकी साहब की गुलपोशी के लिए मैं मोहतरम वासिफ़ फारूकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मोहतरम अमर सिद्दीकी साहब की गुलपोशी फरमाएं। ये गुलपोशी डाइस पर बैठे तमाम मेहमान गिरामी की अंजाम पा रही है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि जिसकी गुलपोशी होनी चाहिए और सबसे पहले होनी चाहिए थी। इन्होंने जितना बड़ा काम अंजाम दिया है, मेरे मेहताब की सभा यानी सभा मेहताब, तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर जहांआरा सलीम साहिबा से कि वो आपको गुल पेश फरमा दें। डॉक्टर जहांआरा सलीम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं शकील गयावी साहब से गुजारिश करता हूं कि मेहताब हैदर सफीपुरी साहब के बड़े भाई नैयर मियां साहब की गुलपोशी फरमाएं। मोहतरम शकील गयावी साहब, मुईन अलवी साहब से गुजारिश है कि वो ऊपर तशरीफ़ लाएं और अब्बास रज़ा नैयर साहब की गुलपोशी फरमाएं। डॉक्टर आसिफ अली साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मोहतरम वासिफ़ फारूकी साहब की गुलपोशी फरमाएं। सैयद रफ़त साहब से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और सैयद रफ़त साहब की गुलपोशी शहाब आलम खान साहब फरमाएंगे। शहाब खान साहब से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और रफ़त साहब की गुलपोशी फरमा दें। इसी के साथ गुलपोशी का सिलसिला इख्तिताम हुआ और मारूफ साहब के हवाले माइक।